नमस्ते, आज हम बना रहे हैं एक ऐसी मिठाई जो हर त्योहार का हिस्सा है, बेसन के पेड़े। स्वाद, परंपरा और एक शानदार मिठास का अनुभव बस कुछ ही पल दूर है। सबसे पहले हम लेंगे एक कप बेसन। यह पेड़ों का मुख्य इंग्रेडिएंट है जो इन्हें देगा वो खास देसी स्वाद। अब इसमें डालेंगे एक कप मैदा जो पेड़ों को नर्म और मुलायम बनाएगा। बेसन और मैदा को अच्छे से मिला लीजिए ताकि ये दोनों एकजार हो जाएं। अब समय है इसमें घी डालने का। एक कप घी डालेंगे जो इस मिठाई को रिच और लजीज बनाएगा। घी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। घी से इन पेड़ों का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखें, घी अच्छे से बेसन और मैदा में मिल जाए। अब इसमें 2 चम्मच दूध डालेंगे जिससे पेड़े और भी सॉफ्ट बनेंगे। दूध को अच्छे से मिलाइए ताकि ये मिश्रण नरम और मखमली हो जाए। अब हम डालेंगे एक छुटकी हरी इलायची पाउडर जो पेड़ों को देगा एक सुगंधित स्वाद, साथ ही थोड़ा सा फूड कलर जो हमारे पेड़ों को सुनहरी रंगत देगा। अब देखिए, ये मिश्रण तैयार हो चुका है। इसका टेक्सचर मखमली और टेम्पटिंग है। अब इसमें 1 कप चीनी डालेंगे जो इसे मीठा बनाएगा, जिससे हर बाइट में स्वाद का जादू महसूस होगा। अब इसे अच्छे से हाथों से मिलाइए और फिर इसे गोल आकार दीजिए। इसे देखकर आपका मन मचल उठेगा। देखिए, ये पहला बेसन का पेड़ा तैयार है, गोल, स्मूथ और स्वाद से भरपूर। अब एक और पेड़ा बनाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट गोल और नर्म पेड़ा। अब इन पेड़ों पर लगाते हैं चांदी का वर्क जो इन्हें एक खास और रॉयल लुक देगा। अब ड्राई फ्रूट्स लगाते हैं जो इन पेड़ों को और भी विशेष बना देंगे। देखिए, ये रहे हमारे लाजवाब और डिलीशियस बेसन के पेड़े। ये स्वाद का अनुभव तभी होगा जब आप खुद बनाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले स्क्रीन पर देखिए एक और शानदार रेसिपी, डिलीशियस चॉकलेट केक।